नवीन महिवा मंडी में कोरोना काल में सब्जियों के दामों में तेजी नहीं देखी गई। इस दौरान सब्जियों के अड़हातियों ने सब्जियों के दाम बताते हुए कहा कि करेला 18 रुपए किलो तथा खीरा 8 एवं लौकी 6 रुपए तथा टमाटर का दाम 180 रुपए से 200 रुपए पेटी तक बिक रहा है तथा परवर का दाम 22 रुपए से 23 रुपए किलो तथा पत्ता गोभी 55 रुपए से 60 रुपए प्रति 10 किलो और कटहल का दाम 20 रुपए से 22 रुपए किलो तक बताया। उन्होंने जनपद में रविवार को हो रही साप्ताहिक बंदी पर सब्जियों के दाम बढ़ने पर कहा कि सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी, आवक भरपूर है, अफवाहों से दूर रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवीन महिवा मंडी के सब्जी के अड़हातियों ने कहा, बलराम करेला कैसे बिक रहा है? 18 रुपये। खीरा? खीरा बिक रहा है 8 रुपये। लौकी बिक रहा है 6 रुपये। भरपूर मात्रा में आ रहा है। सुनील सिंह, मनीष ट्रेडिंग कंपनी, गोरखपुर। रेट क्या? टमाटर का रेट 180 रुपये 200 रुपये है पेटी। जी, एक पेटी में कितना किलो होता है? एक पेटी में 23 किलो। 23 27 हाँ, ठीक ठाक है, ऐसे ही 9-10 रुपए किलो पड़ रहा है मार्केट में आके। अभी कल से पत्ताई बंदी हो रहा है, क्या दाम बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे नहीं। नागेंद्र, आज मंडी में परवल का रेट क्या है? 22 रुपये 23 रुपये। एक बोरे में कितना होता है? एक बोरे में इसमें होगा 42 से 45 किलो। और पत्ता गोभी? 55 से 60 किलो, 350 रुपये बोरा। आवक को लेकर क्या स्थिति? आवक को लेकर स्थिति, आवक तो आमदनी ज़्यादा था इसलिए डाउन था मार्केट। क्या अभी कल से साप्ताहिक बंदी लग रहा है, क्या दाम बढ़ेंगे अभी सब्जी? नहीं नहीं, अब घटेगा दाम। सुधीर सिंह, मंडी में कटहल का रेट क्या है, क्या चल रहा है? 20 रुपये 22 रुपये। कल से साप्ताहिक बंदी हो रहा, क्या दाम बढ़ेंगे? दाम बढ़ेगा नहीं, घटेगा। आवक को लेकर क्या स्थिति है? अब ये बंदी होने से दिक्कत ही पैदा हो रहा है, जैसे कि हम लोग का माल हो रहा है, माल बच गया वो कम दाम में बेचना पड़ेगा।